अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। स्टाइल तो बड़ा आपने क्रिकेटर बना रखा हुआ है। मैंने इंशाल्लाह जिस तरह कान क्रिकेटर बना हुआ है उसी तरह मैंने इस तरह की जद्दोजहद करनी है। कायदे आजम को मैंने पढ़ा किताबों में। अभी आपकी उम्र क्या है और आपने पढ़ लिया कायदे आजम को? कायदे आजम को पढ़ा मैंने किताबों में। वो मेरे पहले अबाउजाद वो सारे हिस्सा लिया था उस आजादी के लिए। ये हकीकी आजादी में मैं खुद हिस्सा ले रहा हूँ और आगे जाके मैं अपनी नस्लों को बताऊंगा कि मैं इस टीम के साथ मैंने इस हकीकी आजादी के अंदर मैंने अपना हिस्सा लिया। अच्छा मुझे बताइए, बड़ा बल्ला लहरा रहे हैं, ये किसको दिखा रहे हैं आप? ये सनाउल्लाह को कि इसी बल्ले से ना मैं तुम्हारी फेंटी लगा। और ये बात है कि मैं कहता दावे से कहता हूँ, मैं पकड़ से कहता हूँ शैतान एक अच्छा लीडर है, उम्मत मुसलमान का लीडर है, ना कि वो कोई चोर मकार। वो तो बड़ी चोर है और इमरान खान कहना ना, ये बल्ला देख रहे हो? मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, सारे नून लीग कह रहे हैं। दुनिया को छोड़ा, ये क्या नून लीग, ये मिंटो की चीजें हैं। इनका बुरा वक्त शुरू हो गया और इनका बुरा वक्त पहला दिन मैं हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या वो कामयाब होके लौटेंगे? इंशाल्लाह वो कामयाब होके लौटेंगे अगर आप उनका साथ दोगे तो वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये जितना भी सारा जहां देख रहे हैं सारा ठीक होगा, महंगाई कम होगी, नहीं तो पहले रोटी 10 रुपए की होती थी अब 12 की होगी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लॉन्ग मार्च में जा रहे हो? ये लॉन्ग मार्च पहले है और मैं कल को ही रवाना हो जाऊंगा। और ये जो शबाज शरीफ है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन इसकी मजबूरी है ना। अच्छा तो मुझे ये बताएं, आप ये बल्ला साथ लेके जाएंगे? ये बल्ला इससे बड़ा बल्ला ले। अच्छा ये किसकी तस्वीर? शबीर गुजर साहब है ये? ये शबीर गुजर साहब है और ये इमरान खान साहब है, ये मेरे लीडर है। अच्छा मुझे और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। अभी तक मिला, अभी खान साहब आए थे तो क्या जज्बात थे आपके उनको देख के? उनको देख के मेरा दिल कर रहा था मैं ना यही कंटेनर्स ये बैरियर्स को तोड़ के मैं जाऊं और जाके उनसे मिलूं। ये बाबा है आपके साथ? ये मेरे बाबा। बड़ा माशाल्लाह बच्चा आपका ना, बहुत अच्छी तकरीर करता है। तो ये कब से मतलब के खान साहब का दीवाना है? ये भाईजान आपको क्या बताऊं, ये 2 साल का था और उस वक्त से जब भी खान साहब जो है वो लाइव टीवी पे आते थे या उनकी कोई तकरीर होती थी, ये अभी सही से चलना शुरू नहीं हुआ था तो खान साहब की आवाज़ सुन के जो है फौरन से पहुंच जाता होता था सामने। और हम इसको बहुत जो है वो अभी मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश यही है कि ये इससे ज़्यादा खान साहब से लगाओ और मोहब्बत हो। एक मेरा ये बेटा एक इससे बड़ा है। सही। अच्छा मुझे बताएं, आप भी जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में? जी ऑफ कोर्स जा रहा हूँ, बिल्कुल जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। कल मैं भी जाऊँगा, मेरे बच्चे भी जाएंगे, मेरी मिसिस भी जाएगी, हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। हम इस आज़ादी के लिए, ये आपको एक बात बताऊँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके तसव्वुर से कहना चाहता हूँ जो मोतबर हल्के हैं ना उनको कि भाई ये हमारी जंग है, हकीकी आज़ादी की जंग है। अगर तुम लोग ये समझते हो कि ये जंग है तो फिर जंग ही सही, और ये जंग इमरान खान के संग ही सही। सही। तो अगर तो फौज आ गई सामने, क्योंकि हुकूमत ने बोला कि हम फौज को बुला सकते हैं, तो फिर क्या आपका रिएक्शन? भाई जान आपको एक बात बताऊं, फौज हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत ज़्यादा मोहतरम है, हम अपनी फौज की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अगर फौज जो है वो भी हकीकी आज़ादी के दरमियान जबकि वो लुटेरों के साथ आके वो खड़ी होगी तो भाई फिर फौज के सामने हम सीना तान के खड़े हैं।